हेलो गुड इवनिंग नमस्कार, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्नेक्स पर। मुखातिब हूं इस चैनल के माध्यम से। तो आइए आज बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होगी, मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। मैंने एक एक करके पहले इनके नाम पढ़ता हूं। फर्स्ट वेव है रेडियो वेव्स, हिंदी में इनको बोलते हैं रेडियो तरंगें। सेकेंड है माइक्रोवेव्स, हिंदी में इनको बोला जाता है सूक्ष्म तरंगें। थर्ड है इंफ्रारेड, हिंदी में इनको बोलते हैं अवरक्त तरंगें। फोर्थ नंबर है विजुअल वेव्स, हिंदी बोलते हैं दृश्य तरंगें या विजिबल लाइट। इसमें ही आपके सातों रंग हैं, सारे के सारे इसी में ही आते हैं, विजिबल लाइट में ही आते हैं। अगली है यूवी रेस, हिंदी में इसको बोलते हैं परावैगनी विकिरण या परावैगनी किरणें। ये नाम आपने सुना होगा एक्सरेस, एक्स तरंगें। इसके अलावा देखें गामा रेस, गामा तरंगें। ये सारी की सारी आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट ये प्रोड्यूस होती हैं। ये परिणामी तरंगें हैं जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगाए जाने पर पैदा होती हैं। इन वेव्स को मैंने इनकी फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर फ्रिक्वेंसी, हिंदी में इसको बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी आवृत्ति होती किसकी, रेडियो वेव्स की। उससे कम माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर लास्ट में गामा रेज। तो आपके पीटी में कई बार क्वेश्चन बनता है कि विच आर द फॉलोइंग है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो चार ऑप्शन ये देता है, कहीं से भी चार ऑप्शन उठाकर वो आपको देगा, तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। इस ऑर्डर को याद करने के लिए मैंने एक जिंगल बनाया है। देखिए आप जिंगल मैंने क्या लिखा है, रेडियो मिर्ची इनविजिबल यूजिंग एक्सरेज एंड गामा रेज। फिर से रिपीट करता हूं मैं, रेडियो मिर्ची इनविजिबल यूजिंग एक्सरेज एंड गामा रेज। रेडियो मींस रेडियो तरंगें या रेडियो वेव्स, मिर्ची मींस माइक्रोवेव्स, हिंदी में को बोलेंगे सूक्ष्म तरंगें। थर्ड इंफ्रारेड मतलब इन अवरक्त तरंगें। चौथा विजिबल मतलब विजिबल, हिंदी उसको बोलते दृश्य तरंगें। अगला यूजिंग, यहां पर आप याद रखना यूवी रेज, एक्स रेज एक्स किरणें या एक्स तरंगें, एंड गामा रेज, गामा मींस गामा तरंग या गामा किरणें। तो उस जिंगल के थ्रू आपको याद हो जाएगा इनका ऑर्डर। यदि ऑर्डर आपको याद है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आसानी से टिक कर सकते हैं। चूंकि ये टॉपिक मेंस में भी है तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इनके ऊपर टिप्पणी लिखें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य तरंगें। इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं प्री में कि इनको डिस्कवर किसने किया, खोजा किसने, ये कहां से निकलती हैं। इसके अलावा इनके ढेर सारे क्या होते हैं यूजेस। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक तरंग को थोड़ा सा डिटेल में कि इनकी खोजकर्ता कौन थे, किसने इसको पहली बार देखा और इनके यूजेस क्या हैं। चलिए इसमें आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेव्स जो हैं, अलग अलग टाइप की जो वेव्स मैंने अभी आपको याद कराई हैं, इन वेव्स के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं या इनको किसने खोजा, कहां से ये मिलती हैं। यहां पे मैंने इनको अलग अलग कलर करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट आप देखें, पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स की बात करते हैं, रेडियो तरंगों की बात करते हैं। इन रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी होती है 10^7 हर्ट्ज। हालांकि इनको डेटाबेस क्वेश्चन कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है एग्जाम में कि फ्रीक्वेंसी पूछी गई हो, तो मैंने कुछ की फ्रीक्वेंसी लिखी है, कुछ की मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी है। तो यहां पे आप देखें, तो बात करते हैं रेडियो वेव्स की, रेडियो तरंगों की बात करते हैं। तो इनको डिस्कवर किया था, इनका नाम है मार्कोनी, बहुत बहुत काम का, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हु डिस्कवर्ड रेडियो वेव्स। तो मार्कोनी क्या किया है, इसको पहली बार डिस्कवर करके बताया है। तो ये वेव्स कहां से निकलती हैं, ये निकलती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से, विद्युत परिपथ जो होता है वहां पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां से जनरेट होती हैं रेडियो वेव्स। आगे बात करते हैं कि इन वेव्स का यूज क्या होता है। इन वेव्स का यूज किया जाता है टेलीविजन में, टेलीविजन वेव्स जो होती हैं ये रेडियो वेव्स के माध्यम से ही अपने को प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो ट्रांसमीटर जो होते हैं इसमें भी रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। जितनी मैंने डेटाबेस इंफॉर्मेशन लिखी है इस सबको आप कंपाइल यदि आप कर दें तो आपको शॉर्ट नोट तैयार हो जाता है किसके ऊपर, रेडियो वेव्स के ऊपर। इसके अलावा जो आपसे बेसिक प्री में जो क्वेश्चन बनते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है या किससे ज्यादा होती है, इसके अलावा इनके यूजेस क्या है और कहां से ये निकलती है, ये सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। अगली तरंग की ओर चलते हैं। तो अगली वेव है माइक्रोवेव, हिंदी में इसको बोला जाता है सूक्ष्म तरंगें। इन माइक्रोवेव को डिस्कवर किया था पहली बार हर्ट्ज ने, ये वही हर्ट्ज हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंसी की यूनिट दी है, इन्हीं के नाम पे बोला जाता है हर्ट्ज, एच जेड इसको डिनोट किया जाता है इससे। इनका पूरा नाम है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज।
यदि बात करूं फ्रीक्वेंसी की तो 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज तक होती है माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी। हालांकि आपको फ्रीक्वेंसी याद नहीं करनी है। ये तरंग कहां से मिलेंगी, कहां से प्रोड्यूस होंगी, ये भी इन्हीं के जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट से प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक परिपथ से आपको देखने को मिलेंगी। आपने सुना ही होगा माइक्रोवेव, जिसमें अपन खाना पकाते हैं, तो उन्हें किन वेव्स का यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स का अपन यूज करते हैं। तो यूजेस में अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रोवेव का पहला यूज आप देखें कहां पे, कुकिंग पर्पस के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा रडार कम्युनिकेशन जो होता है, इसको मैं डिटेल में आपको आने वाली फिजिक्स की सीरीज में आपको बताऊंगा। तो रडार वेव्स में भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन पर्पस, कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, एक बात को दूसरी जगह पहुंचाना है, किसी चीज को, डेटा को पहुंचाना, कम्युनिकेशन पर्पस से भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देखें जो क्रिकेट बॉल की स्पीड जो होती है, इसी से अपन मेजर करते हैं, सभी ने मैच वगैरह देखे ही होंगे। इसके अलावा देखें जो आजकल मेट्रो सिटी में जो स्पीड को चेक करते हैं, जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं या यातायात नियमों के विरुद्ध ज्यादा स्पीड से निकल जाते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट उनके पास होता छोटा सा, तो वहां से निकलती है माइक्रोवेव, तो वो मेजर करके बताती है कि ये गाड़ी इतनी स्पीड से यहां से आगे निकली है, तो आगे चल के उसका कहीं चालान कट जाता है। तो ये है माइक्रोवेव के यूजेस। जब कभी भी शॉर्ट नोट लिखने को आएगा माइक्रोवेव के ऊपर, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको मैं कंपाइल करके लिख सकता हूं। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है कि भाई इनके यूजेस क्या है, माइक्रो के, रेडियो के, यूवी के, तो यूजेस को आप डिटेल में, लैंग्वेज आपकी अपनी रहेगी, हां बस फैक्ट यहां से अब आपको केवल उठाने हैं। थर्ड वेव की ओर चलते हैं। तो थर्ड वेव है इंफ्रारेड वेव, हिंदी में इनको बोला जाता है अवरक्त तरंग है। नाम जरूर याद रखना है, हर्सेल, जिन्होंने अवरक्त तरंगों को पहली बार खोजा, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। यदि मैं बात करूं कि इन तरंगों का अपने यूज कहां पे करते हैं, तो देखो आईआर की बात करें तो जो सोलर कुकर जो होता है, इंफ्रारेड आईआर तरंगें आपको सूर्य से मिल जाएंगी या सन से आपको देखने को मिल जाएंगी, तो उनका यूज कहां, सोलर कुकर में किया जाता है। इसके अलावा देखें आर्मी के पास जो फोन्स होते हैं, वो सैटेलाइट फोन्स होते हैं, वहां पर इन वेव्स का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड वेव के मैं एक और यूज की बात करूं तो इनका यूज डॉक्टर लोग करते हैं। आपने सुना होगा सिकाई के लिए, तो इन वेव्स में क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहां पे सिकाई वगैरह जो होती है, इसके अलावा थेरेप्यूटिक पर्पस जो होते हैं, इन सब के लिए इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। कौन सी, अवरक्त तरंग है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगली वेव है विजिबल वेव्स, हिंदी में इनको बोला जाता है दृश्य तरंग है। अभी दृश्य तरंगें क्या होती हैं, जो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, सन से जो लाइट आपने को मिलता है, इनमें 7 कलर्स होते हैं, सभी को मिला के बोला जाता है क्या, विजिबल लाइट, दृश्य तरंगें जिनके माध्यम से आपने को दिखाई देता है। यदि मैं बात करूं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं, 7.5 10 टू द पावर 14 टू 3.7 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, फिर बोलूंगा आपको याद नहीं करनी है। हाँ, ये जरूर याद करना है, इन दृश्य तरंगों को या विजुअल वेव्स को पहली बार न्यूटन ने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने खोज की थी। ये तरंगें कहां मिलेंगी, जैसे मैंने अभी बोला सनलाइट, सूर्य प्रकाश से मिलेंगी। इसके अलावा सोडियम लैंप पहले कभी यूज हुआ करते थे, जब से एलईडी का जमाना आया है तो ये बंद हो गए, सोडियम लैंप ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, इसमें भी क्या होता है, ये विजुअल लाइट का ही यूज होता है। अगली तरंग की ओर चलते हैं। अगली तरंग है यूवी रेस, हिंदी बोलते हैं इनको परावैगनी विकिरण। ये जो यूवी रेस है, इसको पहली बार रिटर ने डिस्कवर किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर्ड यूवी रेस, या परावैगनी विकिरण की खोज किसने की, तो करेक्ट आंसर क्या है, यह रिटर। तो रिटर ने पहली बार परावैगनी विकिरण को देखा। आपने कभी वाटर फिल्टर जरूर लिया होगा, तो वाटर फिल्टर वाला बोलता क्या है, इसमें यूवी टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब क्या है, ये यूवी लाइट क्या काम करता है, टू किल द बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, बैक्टीरिया को मारने के लिए इस यूवी का यूज किया जाता है। ये आपको कहां से मिलेगी, ये आपको सनलाइट से मिलेगी, जैसा कि मैंने बोला कि सन में होता है, यूवी के टाइप होते हैं ए सी बी। इसके अलावा देखें आर्क लैंप जो होता है, यहां से भी ये प्रोड्यूस होती है, तो यूज कहां करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसके अलावा देखें स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इनको स्टरलाइज करने के लिए। इसका मतलब क्या है, पहले जो कभी सर्जरी हुआ करती थी, इन इंस्ट्रूमेंट से एक बंदे की सर्जरी हुई तो वो क्या करते थे, इसी से फिर दूसरे की सर्जरी करते थे। बाद में पता चला कि कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो ब्लड के थ्रू इसके इस बंदे के थ्रू इस दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो गई हैं, तो पहले उबाल के इसको अपन यूज करना शुरू किया, स्टरलाइज करना शुरू किया, बाद में कार्बोनिक एसिड का यूज किया, उसके बाद जब अपने को पता चला कि प्रॉपर्टी होती किसमें,
यूवी रेस में एक प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया और वायरस को मार देती है, तो फिर इन वेव्स का अपन यूज करने लगे हैं। तो यहां पे देखें मैंने लिखा है स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, मतलब इनको बैक्टीरिया और वायरस रहित बनाने के लिए। इसके अलावा देखें जो अलार्म वगैरह जो होते हैं, जैसे फायर अलार्म वगैरह होते हैं, वहां पर भी इन वेव्स का ही यूज किया जाता है। अगली वेव्स की तरफ चलते हैं, इसका नाम सुना सुना लगेगा, नाम है एक्सरेस। कई बार आपने नाम सुना होगा, तो यहां से एक फेमस क्वेश्चन बना है कि एक्सरे को डिस्कवर किसने किया था, तो आप याद रखना रोंटजेन। तो रोंटजेन ने पहली बार एक्सरे को डिस्कवर किया था। वेव का यूज क्या है, तो एक यूज तो आपको पता है कि जब हड्डी टूट जाती है तो अपन एक्सरे कराते हैं, इसका मतलब बोन जब क्रैक हो जाती है उसका पता लगाने के लिए इन एक्सरेस का अपन यूज करते हैं। तो पहला यूज मैंने वही लिखा है डिटेक्ट फ्रैक्चर। इसके अलावा देखें स्टोन, आप स्टोन हिंदी में उसको बोलेंगे पथरी, ये कहीं भी हो सकती है, ये किडनी में भी हो सकती है, ये गॉल ब्लैडर में भी हो सकती है। जब आप एक्सरे कराओगे तो अलग से वो चमकती हुई दिखाई देती है, यहां से डॉक्टर अनुमान लगाता है कि कितने एमएम की ये स्टोन बना हुआ है। इसके अलावा इसका यूज आप देखें, मैंने यहां पर लिखा है ब्रिज क्रैक। कहीं पर कोई ब्रिज बना, उस ब्रिज को बनाने में मैंने क्या किया, वहां बहुत सारे वॉइड बना दिए, रिक्तिकाएं बना दी, मतलब वहां पर कॉन्क्रीट कम लगा है, बीच में हवा के गोले ही भरे हुए हैं। तो इंजीनियर जब चेक करता है, वो कैसे चेक करता है, जब एक उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्सरेज अंदर तक जाती हैं, कुछ बाहर से रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ अंदर से रिफ्लेक्ट होती हैं, आपका ब्रिज कितना सॉलिड है ये पता करने के लिए भी एक्सरेज का यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी मेटल्स होती हैं, मान लो मेटल की आपने सीट बनाई है तो उसके बीच में बहुत सारे वॉइड बना दिए हैं, इसका मतलब वहां डेंसिटी कम है, वहां पर मेटल नहीं है, उसका मेटल का वजन क्या हो जाएगा कम, चेक कैसे किया जाएगा, इसी एक्सरे के माध्यम से यह चेक किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ब्रिज वगैरह बनाने में या ब्रिज बनने के बाद उसको चेक करने के लिए, क्योंकि भाई आप खोद कर तो किसी ब्रिज को देखेंगे नहीं कि उसमें कॉन्क्रीट प्रॉपर लगाया है कि नहीं लगाया है। हाँ, इसके थ्रू पता चल जाता है कि कहां कहां पर वॉइड बने हैं, कहां पर डेंसिटी ज्यादा है और कहां पर डेंसिटी कम है। आगे की तरफ चलते हैं, तो उसमें लास्ट तरंग है गामा रेज, या हिंदी में इनको बोलते हैं गामा तरंग। इन गामा तरंगों की खोज की थी वेक्यूरल और क्यूरी ने। इन गामा तरंगों को प्रोड्यूस कहां से करते हैं, ये कहां से अपने को मिलती हैं, ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वहां से निकलती हैं। गामा रेस जो होती हैं ये हार्मफुल वेव्स होती हैं, ये लिविंग टिश्यूज को मार देती हैं, ये जीवित कोशिकाओं को मार देती हैं। इसलिए देखें इनका यूज अपन कहां करते हैं, फूड इंडस्ट्री टू किल द बैक्टीरिया, जो खाद्य उद्योग जो होते हैं वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पनप जाते हैं, उनको मारने के लिए गामा तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखें मैंने क्या बोला कि ये लिविंग टिश्यूज को मार देती हैं, जीवित ऊतकों को मार देती हैं, तो इनका उपयोग कहां करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर। भाई किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर से वहां पे ट्यूमर हो गया तो उन सेल्स को मुझे मारना है, तो उन सेल्स को मारने के लिए गामा वेव का यूज किया जाता है। कि रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, तो गामा रेज जो होती हैं ये हार्मफुल वेव्स में आती हैं, हानिकारक तरंगों में आती हैं, जिनका उपयोग अपने मेडिकल साइंस में ज्यादा अच्छा इसका यूज किया है। कहां पर, कैंसर सेल्स को मारने के लिए या ट्यूमर को मारने के लिए इन वेव्स का यूज किया जाता है। तो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। हर वेव्स के बारे में मैंने कुछ डिटेल बताने की कोशिश की है, यहां से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आगे वाली सीरीज में मैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आऊंगा। जो भी लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल को देख रहे हैं या इसको पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।